कदवा थाना क्षेत्र के कुर्सेल पंचायत के एक बगीचे में पेड़ से 22 वर्ष से गुड़िया रानी नवविवाहिता का लटकता शव मिला है। गांव में सनसनी फैल गई। खबर कदवा थाना क्षेत्र से है, जहां कुर्सेल पंचायत के एक बगीचे में पेड़ से 22 वर्ष से गुड़िया रानी नवविवाहिता का लटकता शव मिला। शव मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले को लेकर कदवा थाना में नवविवाहिता के पिता सत्यनारायण रजक द्वारा थाना में आवेदन देकर अपने दामाद श्रवण कुमार विश्वास, उनकी पुत्री की सास व ससुर संजय विश्वास के विरुद्ध दहेज के कारण बहू की हत्या कर शव को पेड़ से लटका देने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा शव को अंत परीक्षण कराकर परिजनों को सुपुर्द भी करा दिया गया है। वहीं घटना को लेकर हर तरफ चर्चा का माहौल बना हुआ है। मृतिका के पिता दिए गए आवेदन में उन्होंने बताया है कि उनका स्थायी निवास भर्री है। उनके पुत्री के बीते वर्ष 2021 में कुर्सेल पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी श्रवण कुमार विश्वास के साथ प्रेम विवाह हुआ था। कुछ दिन तक दोनों में अच्छा संबंध रहा, परंतु बीते 3 महीनों से उनके दामाद द्वारा 1,00,000 रुपये के लिए काफी दबाव बनाया जा रहा था, जबकि उन्होंने पूर्व में भी राजी खुशी से उपहार स्वरूप 1,00,000 रुपया एवं पुत्री को 1,00,000 का गहना भी दिया था। 1,00,000 रुपया नहीं देने के कारण उनकी पुत्री के साथ बराबर मारपीट की जाती थी। वहीं शव बरामद होने के उपरांत मृतिका के सास ससुर व पति घर छोड़कर फरार है। थाना अध्यक्ष रंजय कुमार सिंह ने बताया है कि दहेज के कारण बहू की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। शीघ्र ही घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कौन है जो जिनकी मौत हुई है, वो कौन है आपके? नतन पुत हो लगे। क्या नाम है उनका? गुड़िया। गुड़िया कुमारी। गुड़िया। कब शादी हुई थी? करीब शादी तो नहीं, लव मैरिज हुआ। हाँ, लव मैरिज कब हुआ? 10 महीना करीब हुआ। 10 महीना करीब हुआ। और कैसे मौत हुई? फांसी ले। हाँ, ससुराल में ही। हाँ, ससुराल में ही फांसी लगा। पति का क्या नाम है उनका, मैंने आपका नाती का क्या नाम? श्रवण कुमार विश्वास। क्या काम करते हो? गाड़ी चलाते हैं। घर कहाँ हो? कदवा कचोरा। कचोरा गाँव। हाँ। लड़की का घर कहाँ था? भर्री पड़ता। हाँ, भर्री। भर्री। हाँ। पुलिस को सूचना दी है ना? हाँ। पुलिस आई थी। हाँ। आपका क्या नाम है?